बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इदारों के दरमियान इस वक्त शदीद कश्मकश है और इदारों के अंदर भी बहुत ज़्यादा कश्मकश है और अब ये बाहर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट में तो आप देख ही रहे थे, जिसको अब किसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत ज़रा कम करने की कोशिश हमें नज़र आई है, लेकिन खबर बड़ी आ गई है इलेक्शन कमीशन से और इस तरह से इस्तीफे आ रहे हैं, इस तरह से अंदर खल्फिशार की, इतराज़ात की, आप ये कहें कि जनाब लड़ाइयों की खबरें आ रही हैं कि हैरान कौन है। इसके साथ साथ जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी बड़ी खबर आई है और उसको भी हम शामिल करेंगे, जहां पर जज साहब ने कहा है कि जी किस तरह से लोगों को जो पुलिस यूनिफॉर्म है, दीगर इदारों के यूनिफॉर्म पहने लोग उठा रहे हैं और किसी को कोई परवाह नहीं है। और इसमें जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब हैं, उन्होंने हाईकोर्ट के जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उन्होंने कहा है कि ये शहजाद अकबर के भाई को जिस तरह उठा कर ले जाया गया है, इस पर उन्होंने जवाब तलब किया है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा अब उस्मान बुज़दार साहब, साबिक वज़ीरे आला पंजाब, उन्होंने भी सियासत को खैरबाद कह दिया है, सियासत से किनारा कशी कर ली है, 9 मई के जो अफसोसनाक वाक़यात हैं उनकी मजम्मत की है और काफ़ी अरसे से, कुछ दिनों से ख़ास तौर पर वो भी रूपोश थे, लापता थे, कुछ समझ नहीं आ रही थी और उनके ख़िलाफ़ भी केसेस थे, तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके बाद अब उन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली है। तो ये जो प्रेशर हमें नज़र आ रहा है पार्टीज़ में, या हम देख रहे हैं कि विद इन इंस्टीट्यूशंस जो हो रहा है, तहरीक इंसाफ का आप देख लीजिए जो हाल हो रहा है, तो ये अब लगता है कि हर जगह फैल रहा है, हर तरफ फैल रहा है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इख्तलाफात पर अहम अफसरान मुस्ताफ़ी, कुछ कह रहे हैं जी दबाव बढ़ा था, कुछ मसाइल थे, इख्तलाफात थे। अब ये ARY की खबर है, दुनिया न्यूज़ भी ये खबर दे रहा है कि जनाब ये इख्तलाफात ने शदीद हो गए कि कुछ ने इस्तीफ़ा दे दिया है, कुछ के अभी इस्तीफे मजीद आ सकते हैं। मैं दुनिया न्यूज़ की खबर पढ़ देता हूं, हर तरफ ये खबर है, इलेक्शन कमीशन के एडिशनल सेक्रेटरी और दो डायरेक्टर मुस्ताफी, दो डायरेक्टर, एडिशनल सेक्रेटरी और दो डायरेक्टर ही मुस्ताफी हो गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तल्ख कलामी की इतलात, एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन की तरदीद, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 3 अहमदेदारों ने इस्तीफा दे दिया। जराए के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी मंजूर मलिक और डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कर्नल रिटायर्ड साद ने इस्तीफा दिया है। जराए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोनों अफसरान की कारकर्दगी से नाखुश थे। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन की गुज़श्ता रोज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तल्ख कलामी भी हुई थी। दूसरी जानेब अपने बयान में एडिशनल सेक्रेटरी मंजूर मलिक ने कहा कि इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कोई इख्तलाफात नहीं, इन्होंने अपनी सेहत के मसाइल के बायस मुस्ताफी होने का फैसला किया। इसके अलावा डायरेक्टर HR अंजुम बशीर शेख ने भी इस्तीफा दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर नदीम जुबैर के साथ भी इख्तलाफात शदीद होने पर इन्हें और स्टाफ के दीगर 6 अरकान को मुअत्तल कर दिया गया है। ये प्रिंसिपल स्टाफ अफसर हैं, उनसे भी इख्तलाफात। तो ये अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इख्तलाफात और ये सब खबरें आप देखिए, ये बढ़ती चली जा रही हैं। और भी अभी लोग हैं जिनका कहा जा रहा है वो इस्तीफा दे सकते हैं, दबाव है, और भी बहुत से मसाइल हैं। अच्छा, इसके अलावा जनाब उस्मान बुज़दार साहब का मैंने को बता दिया, फिर शहरयार अफरीदी, उनके हवाले से खबर है जी, जेल हुकाम ने शहरयार अफरीदी को सेल में रखने की तस्दीक कर दी कि उनको सेल में रखा गया है। अच्छा, इसके साथ वकील ने कहा है कि जी वो डेथ सेल है जिसकी वजह से लोग छोड़कर जा रहे हैं, ये उनके वकील ने वहाँ पर बात की है। शायद खकान अब्बासी कहते हैं जी साबिक वज़ीर आज़म, तमाम स्टेक होल्डर को मुल्क के लिए साथ बैठना होगा। और बहरहाल वो कहते हैं जी, अब देखिए ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में पहले आ रहा था मामला कि जी चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल और काजी फ़ाइसा के दरमियान इख्तलाफात हैं, काजी फ़ाइसा ने उनसे हाथ मिलाया, विजुअल्स आए, आज दोनों ने मिलकर एक पौधा लगाया सुप्रीम कोर्ट में। ये कहा गया जस्टिस अतरमिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, उनकी तरफ से ये तजवीज़ थी कि आप आएँ तो वो जो सारा वीडियो और उसको असल को जाहिर करें। तो हर इंस्टीट्यूशन में इस वक्त ये मसला है। पाकिस्तान आप देखिए हिल के रह गया है, पाकिस्तान की रियासत, जो उसके सुतून है, सुप्रीम कोर्ट, दीगर इदारे, पुलिस देखें इस वक्त जिस तरह सब हो रहा है, इतनी हज़ारों गिरफ्तारियां हैं, फिर वो हज़ारों केसेस अदालत में जा रहे हैं, अदालत के कोई फैसले हैं वो नहीं माने जाते, ये मसाइल चल रहे हैं हुकूमत और अदालत के दरमियान, तो ये काम बढ़ता चला जा रहा है और इससे पूरा एक ऐसे लग रहा है कि मुल्क हिल के रह गया है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें अपनी आवाज़ उठा रही हैं। अभी जो एक और ख़बर, जो जिब्रान नासिर हैं, वकील भी हैं और इंसानी हकूक़ के कारकुन समझ जाते हैं,
उनकी भी गुमशुदगी का मामला है, उनकी अहलिया ने अब मुकदमा दर्ज करवाया है, तो उस पर भी बहुत से लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं। तो ये बड़े मसाइल जो हैं मुल्क में ऐसे लग रहा है कि बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि जेल में कोई ज्यादती नहीं हुई, आलिया हमजा, तैयबा राजा समेत 7 खवातीन अदालत में पेश। ये तहरीके इंसाफ की कारकुन जो गिरफ्तार हैं उनके हवाले से खबर सामने आई है। उन्होंने कुछ मीडिया से बात भी की है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे साथ कोई इस तरह से कोई ज्यादती नहीं हुई जेल में, मगर ये भी उन्होंने कहा कि जी इस तरह हमने कुछ किया ही नहीं तो हमें जेल में रखना ये कोई कम ज्यादती है, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो जेल में रखना ही हमारे साथ ज्यादती है, यही हमारे साथ ज्यादती है। और फिर साबिक वज़ीर ख़जाना की बेटी और फैशन डिज़ाइनर खदीजा शाह को लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दिया, मुलजिमा को लाहौर हाई कोर्ट के बाद इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में भी पेश किया जाएगा, ये भी मामला आगे चल रहा है। फिर इसमें वैन, प्रिजन वैन के अंदर से जो सनम जावेद हैं, हमारी बहन है, खातून है, ये कहती हैं जी कि इन्होंने कहा है वहाँ पर कि हम औरतें जो हैं वो इतने अरसे से जेल में हैं तो लोग तो एक एक दिन मर्द जो हैं वो इस्तीफे दे देकर जा रहे हैं। तो ये जनाब इन्होंने बात की है सनम जावेद साहब ने, ये जो तहरीक इंसाफ की दीगर कारकुन भी थी उनमें। खैर, अब इन पर मुकदमा चल रहे हैं, आगे देखते हैं कि क्या होता है। और इसके साथ जनाब अब एक और ख़बर ये सामने आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, पुलिस रेंजर्स यूनिफॉर्म में बंदे उठाए जा रहे हैं, किसी को परवाह नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये एक्सप्रेस में ये खबर छप गई है, उनकी वेबसाइट पर मौजूद है। अदालत आलिया ने एक मुकदमे की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि इस्लामाबाद की हदूद से पुलिस और रेंजर्स की वर्दी में बंदे उठाए जा रहे हैं, किसी को परवाह नहीं। साबिक मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर के भाई मुराद अकबर की बाजियाबी के की दायर दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की, जिसमें अदालती हुक्म पर DIG ऑपरेशन शहजाद बुखारी, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून और लापता मुराद अकबर के वकील कासिम वदूद, SP नशीरवान और DSP लीगल अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल ने मुकदमे की तफसील अदालत में पेश की। अदालत ने इस्तफसार किया कि ये बताएं जो लोग आए वो ना CTD के थे ना रेंजर्स के थे, ये कन्फर्म करें। DIG ने अदालत को बताया कि जी बिल्कुल इनमें से कोई नहीं था। अदालत ने कहा फुटेज में देखा गया है, कौन है? जिस पर DIG ने जवाब दिया जी बिल्कुल हम इसको देखेंगे, अदालत हमें वक्त दे। अदालत ने कहा कि अगर गाड़ियों और अफराद का तयन हो गया तो इसके नतायज होंगे। इतने लोग जब CTD और रेंजर्स की वर्दी में आएंगे तो ये शेमफुल एक्ट है। करोड़ों रुपए सेफ सिटी पर लग गए, लोगों की जाती वीडियो बना बनाकर अपलोड कर देते हैं लेकिन चोर और डाकुओं को नहीं पकड़ते। कहाँ है DG रेंजर्स? वजारत दिफा से कौन है? अदालत ने DG रेंजर्स जाती हैसियत में तलब किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर DG रेंजर्स के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी करूंगा, वो जिम्मेदार हैं। अगर इनकी वर्दी इस्तेमाल हो रही है तो इस्लामाबाद के अंदर इतने लोगों ने मिलकर एक बंदे को उठाया, पुलिस रेंजर्स और CTD की वर्दी में लोग आकर बंदा ले गए, क्या वो जाली लोग थे? आपने पर्चा क्यों नहीं दर्ज किया? पुलिस और रेंजर्स की वर्दी में चोरियां हो रही हैं। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि पहले रेंजर्स को डायरेक्शन नहीं थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जवाब दिया मैं अभी ऑर्डर कर देता हूं, समझ लग जाएगी सबको, वरना इस्लामाबाद में ना IG को रहने का हक है ना किसी और को। DG रेंजर्स को पता होना चाहिए था कि इनकी वर्दी अगर इस्तेमाल हुई है, लोग पुलिस और रेंजर्स की वर्दियों में बंदे उठा रहे हैं और किसी को परवाह नहीं, यानी लोग आ रहे हैं और वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की वर्दियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। कितनी खौफनाक बात है कि इतनी बड़ी तादाद में जैसा कह रहे हैं लोग आ रहे हैं तो वो पुलिस को पता ही नहीं, यानी पुलिस की वर्दी पहनकर कोई किसी को लूट जाए, कुछ भी कर जाए, तो ये बड़ी खौफनाक बात है। अदालत ने वज़ारत दिफा के नुमाइंदे को हिदायत की कि DG रेंजर्स को कहें आइंदा समाअत पर खुद आएँ। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, DG रेंजर्स को पीर की रोज़ ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए हिदायत की कि अपनी अपनी FIR लेकर आएँ। अदालत ने कहा कि अपने अपने इदारे की वर्दी आपने बचानी है, इसका इफेक्ट आएगा। DG रेंजर्स IG मामले को देखें और मुकदमा दर्ज कराएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मैं फिर इनसे पूछूंगा कि इस्लामाबाद में आप अपनी वर्दी क्यों नहीं संभाल सकते? ऑर्डर का मकसद आइंदा असली वर्दी लोगों को तहफ़ फराम करना है, अगर आप इस तरह काम नहीं कर सकते तो आप लोग घर चले जाएँ, अगर अमल दरामद ना हुआ तो वज़ीर आज़म को बुलाऊँगा, यानी वो कह रहे हैं वज़ीर आज़म को भी बुलाऊंगा। अदालत ने पीर के रोज़ IG इस्लामाबाद को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अगर बंदा ना आया तो अगली तारीख पर वज़ीर दाखिला को बुलाऊंगा, अगर फिर भी बंदा ना आया तो वज़ीर आज़म को बुलाऊंगा। 36 किलोमीटर के एरिया में अगर अमन अमान का ये आलम रहा तो आप लोग फिर अपने घर चले जाएँ। ये जनाब जज साहब के सख्त रिमार्क्स सामने आए हैं। अच्छा जी, तो अब आप ये देखिए कि ये मामलात चल रहे हैं और इसके साथ साथ चंद और ख़बरें जो हम आप समझ जो जो इस वक्त अहम हैं वो शामिल करते हैं। आप
को ये मैंने बता दिया, इलेक्शन कमीशन के एडिशनल सेक्रेटरी और ये सब, इनका मामला आपके सामने में रखा। अच्छा जी, कैप्टन टायर सफदर साहब कह रहे हैं ये हमारी नहीं पीडीएम की हुकूमत है, कैप्टन सफदर। अच्छा, और जनाब साबिक जराल पंजाब उस्मान बुजार ने सियासत से दस्तबरदार का ऐलान कर दिया, जिब्रान नासिर गिरवा का मुकदमा दर्ज। तो ये जनाब इस वक्त मामला चल रहे हैं और ये अहम खबरें हैं अब तक की, और इसी तरह से जो भी मामलात होंगे इंशाल्लाह उस वाले से आपको अपडेट रखेंगे। अब नज़र ये आ रहा है कि जिस तरह अब मैंने आपको इलेक्शन कमीशन का बताया, तो दीगर हवालों से भी ये लग रहा है कि बहुत से इदारों में इस वक्त मामलात इस तरह से हैं। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन आगे क्या करता है। अभी तो इलेक्शंस का मामला आना है, पहले तो इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है कि जनाब हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कह दिया है। फिर पहले तो रकम का कहते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये सुप्रीम कोर्ट की डोमेन ही नहीं है। वो 14 मई वाला मामला भी अब लटक गया, वो भी कहीं हमें होता नज़र नहीं आ रहा। अब देखते हैं इलेक्शन कब होते हैं, अक्टूबर में भी होते नहीं, इलेक्शन कमीशन की तैयारी क्या है। वैसे तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का काम यही है कि इलेक्शंस करवाए, लेकिन वो भी इलेक्शन से भागता है, तो अब पता नहीं आगे क्या होगा। अभी सागडार भी कह रहे हैं जी हमने कुछ 40-42 अरब रुपया रख दिया है इलेक्शंस के लिए। पाकिस्तान की तारीख में ये भी अनोखा वाकया था कि जी पता चला इलेक्शंस के लिए रकम ही नहीं होती। वो सारा कंट्रोवर्सी हमने देखी, फिर इलेक्शन कमीशन का किरदार हमने देखा किस तरह का है और क्या होता रहा। यानी इतना कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया हमारा इलेक्शन कमीशन कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं था। यानी कराची में अगर बल्दियाती इलेक्शंस भी होते हैं वो भी कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाते हैं, इतना अरसा लग जाता है, और बाकी जगह पर भी आपने देख लिया। तो अब उनके तो अंदर बहुत बुरा हाल हो गया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।